व्हेन यू कैन नॉट डू द राइट थिंग देन आपकी बर्बादी लिखी हुई है, क्योंकि कामयाबी का कोई शॉर्टकट कभी नहीं होता है। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज एक जीपी रेटिंग के बच्चे का मैसेज आया कि सर मुझे लूट लिया गया है। व्हेनेवर अ जीपी रेटिंग गाय सेंड्स मी मैसेज, सर दिस एजेंट हैज चीटेड मी, हैज ड्यूड मी, मेरे 2 लाख रुपए फंस गए हैं सर, आई हैव लॉस्ट 2.5 लाख रुपीज, ही टोल्ड मी दैट आई विल गेट अ जॉब, आई डिड नॉट गेट अ जॉब सर, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव एनी एम्पैथी, एनी सिंपैथी, एनी पिटी फॉर दैट पर्सन। मुझे उस बच्चे के लिए मेरे मन में 1% भी कोई पिटी नहीं होती कि कोई बात नहीं बेटा तेरे साथ बहुत गलत हो गया, मैं नहीं बोल पाता। आई डोंट से दैट बिकॉज अगर आप अपने घर के दरवाजे खुले रखोगे एट नाइट टाइम, यू आर स्लीपिंग विदाउट कीपिंग योर डोर्स क्लोज प्रॉपरली, देन डेफिनेटली अ थीफ इज गोना कम, ही इज गोना रॉब यू। वो आपके घर को चोरी भी करेगा, लूटेगा भी, डकैती भी डालेगा, हो सकता है कल को आपका मर्डर करके भी चला जाए। देन हुम आर यू गोइंग टू ब्लेम? आर यू गोइंग टू ब्लेम द थीफ आउट देयर? नो, यू हैव टू ब्लेम योर सेल्फ। सिमिलरली ओवर हेयर, इफ एनी एजेंट इज चीटिंग यू, एनी एजेंट इज ड्यूपिंग यू, कोई आपको धोखा दे रहा है, तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि उसने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया, उसने आपसे झूठे झूठे वादे किए, अरे वो तुमसे नहीं हो पाएगा, एग्जाम देने पड़ते अच्छे कॉलेज जाने के लिए, तू नहीं क्लियर कर पाएगा, और आपको लगा हाँ यार ये तो नहीं हो पाएगा, अरे उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हाँ यार मेहनत तो नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू वर्क दैट हार्ड, आई एम नॉट स्टूडियस, आई कैन नॉट डू दिस। व्हेन यू कैन नॉट डू दिस, व्हेन यू कैन नॉट डू द राइट थिंग, देन आपकी बर्बादी लिखी हुई है, क्योंकि कामयाबी का कोई शॉर्टकट कभी नहीं होता है। जो लोग आपको झूठे वादे दिखाते हैं वो ही आपको लूटते हैं, और आप फिर बाद में परेशान होते हैं। सो ऑल आई कैन से इज, जब जब कोई बच्चा बोले कि मैं परेशान हूँ, मुझे लूट लिया गया है, तो अपने अंदर कमियां ढूंढिए, उसको गाली देने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं जल्दी से, कोई मैसेज आता है इसने इसको लूट लिया, इसने, मैंने कभी मैसेज फॉरवर्ड नहीं करता। जो लूट रहा है वो इसलिए लूट पा रहा है क्योंकि वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। आप स्मार्ट बनिए कि उसे लूटने मत दीजिए, और स्मार्ट बनने के लिए वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहेगा, आपको उठाने नहीं देना है। आपको पता होना चाहिए कि मर्चेंट नेवी डिकोड में प्रणीत मेहता सर जब जीपी रेटिंग में जो चीज़ बोल रहे हैं वही करनी है, वरना नहीं करनी है। जय माता दी। उसके बाद भी आज भी सो मेनी पीपल की कमिंग, सर देर इज अ कॉलेज ओवर हेयर, सर देर इज अ कॉलेज इन जयपुर, देर इज अ कॉलेज इन अलवर, सर देर इज अ कॉलेज इन यूपी ओवर हेयर, सर शुड आई ज्वाइन, हैव आई एवर नेम्ड दोस कॉलेजेस, क्या मैंने कॉलेज की कभी बात करी है, क्या मैंने स्कूल की कभी बात करी है। लोग लव लेटर भेजते हैं मुझे, सर ये इस कॉलेज का लेटर आया है मुझे, सर आई हैव बीन सिलेक्टेड। अगर आप सीधा बोलते हो कि नहीं जाना है तो भरोसा नहीं होता, तो भाई क्या करें। जय माता दी। सो ऑल इन ऑल, जिस चीज़ के ऊपर हम भरोसा करते हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप कुछ भी और करते हैं तो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। ना उस एजेंट को ब्लेम कीजिएगा, ना हमें ब्लेम कीजिएगा, ना अपने माता पिता को, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को। और माफ़ कीजिएगा, ऐसे लोगों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय माता।